हम जब इस लड़ाई में आए थे तो हम किसी के ऊपर, ये पर्टिकुलर किसी के पर्सन के ऊपर विश्वास करके नहीं आए थे कि वो हमारी लड़ाई जीतेंगे या हम वो हमें लड़ाई जितवा देंगे। हम अपने विश्वास पे आए थे कि हम ये लड़ाई जीत सकते हैं क्योंकि हम सच बोल रहे हैं और सच कभी दबता नहीं है, चाहे वो एक पर्सन बोले चाहे वो ग्रुप में बोले। और अभी हमारा तो इतना बड़ा ग्रुप है, इतने सब लोग अगर एक बात बोल रहे हैं तो वो झूठ हो ही नहीं सकता, कोई प्रूव ही नहीं करता उस चीज़ को। तो जो भी करेगा तो वो हमारे सामने आके प्रूव कीजिए कि हाँ हम गलत बोल रहे हैं। हम क्यों प्रूव करें कि हम सच बोल रहे हैं? आपने कुछ गलत नहीं किया, आप प्रूफ कीजिए, हम वेट कर रहे हैं कि आप कब प्रूफ करोगे इस चीज़ को ना। तो प्रोग्रेस जो भी हो, मुश्किल टाइम है एज ए एथलीट मेरे लिए क्योंकि मैं ट्रेनिंग नहीं हो पा रहा अच्छे से, हम मेंटल पीस नहीं है हमारे पास में। और एज ए एथलीट अगर आपके पास में मेंटली आपके ऊपर इतना प्रेशर है तो आप इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गए हैं लेकिन वो हम नहीं खेल पा रहे हैं क्योंकि हम सब जब तक हम वेट करें जब तक हम इस सच्चाई में जीत नहीं जाते हैं। जो फैसला जो है अभी तक आ जाना चाहिए लेकिन उन्होंने 10 दिन का टाइम और दिया है, तो बस हमारी यही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी फैसला आए और हमारे हक में आए क्योंकि बहुत हिम्मत जुटा के हम इस प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, इतने साल लगे हमें हिम्मत जुटाने के लिए। बस यही सोच के हिम्मत जुटाई थी कि बस अब बहुत हो गया, इतने साल से हम झेल रहे, हम देखते आए हैं आगे आने वाले जो यंग रेसलर हैं, यंग लड़कियां हैं, उनके साथ आगे ऐसा ना हो। बिल्कुल, आप जैसे आवाज़ उठाई है तो यहाँ पर ओवरसाइट कमेटी के काम से आप अभी तक जो भी आपने देखा है, उनका जो कुछ हुआ है, आपसे जो पूछा गया है, उन सब प्रोग्रेस से आपके प्रोग्रेस से मैं खुश हूँ। बस ये है कि फैसला थोड़ा सा जल्दी होना चाहिए क्योंकि फिर हम भी स्ट्रेस फ्री होके, टेंशन फ्री होके अपने काम के तरफ लग जाएं क्योंकि एशियन गेम्स आ रहे हैं, उनकी ट्रायल्स होंगी। तो मेन यही है कि फैसला जल्दी आ जाए, बाकी वो काम अच्छे से ही कर रहे हैं।